हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के जो महाराणा लाखा उर्फ लक्ष सिंह थे उनके बारे में आपको बताया था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन उन्हीं महाराणा लाखा जिनको लक्ष सिंह कहते हैं उनके बारे में अपन वापस चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा लाखा। कौन थे मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा? अब होता क्या है, जो मारवाड़ के जो चुंडा थे, मारवाड़ के जो शासक चुंडा थे, शासक चुंडा मारवाड़ के जो शासक चुंडा थे चुंडा इन चुंडा के अगर अपन पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम था रणमल। और अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम मैंने आपको हंसाबाई बताया था। और इधर जो मेवाड़ वाले क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ के जो महाराणा लाखा थे इनके पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था राणा चूड़ा या चुंडा, राणा चुंडा। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि हंसाबाई और लाखा का सशर्त क्या हो जाता है, विवाह। क्या हो गया? सशर्त विवाह। अर्थात महाराणा लाखा के ये जो ज्येष्ठ पुत्र थे राणा चुंडा, इनके द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली जाती है। इसी वजह से मेवाड़ के इतिहास का भीष्म या राजस्थान के इतिहास का भीष्म राणा चुंडा को कहा जाता है। फिर जैसे ही इसके द्वारा भीष्म प्रतिज्ञा ली जाती है, इस महाराणा लाखा का क्या हो जाता है, देहांत। अर्थात इस महाराणा लाखा की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जब महाराणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था क्या, मोकल। महाराणा मोकल। तो इस महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद, अर्थात पहले महाराणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था महाराणा मोकल। और पुत्र के जन्म के पश्चात महाराणा लाखा का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और शर्त के अनुसार मेवाड़ के अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है महाराणा मोकल। तो इस महाराणा मोकल का जो संरक्षक था वो संरक्षक कौन था? अगर इनके संरक्षक की बात करें तो इन महाराणा मोकल का जो संरक्षक था उसका नाम था राणा चुंडा। इनका संरक्षक कौन था? राणा चुंडा, जो महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो अगर पद के अनुसार देखें अपन तो महाराणा मोकल के ये क्या लगते थे, चाचा जी। कौन? राणा चुंडा। तो इस राणा चुंडा के द्वारा इस महाराणा मोकल को संपूर्ण या सभी प्रकार का ज्ञान दिया गया कि किस प्रकार से एक अच्छे शासक को शासन करना चाहिए। जब ये विद्याएं, ये जो राणा चूड़ा थे ये इस मोकल को सिखा रहे थे, तो जो राजमाता बनी हुई थी उस समय हंसाबाई, तो हंसाबाई के द्वारा ये देखा गया कि यार ये जो राणा चुंडा है, ये चुंडा मेरे पुत्र अर्थात मोकल को परेशान करता है, बार बार ये बोलता है कि तू ऐसे कर, बार बार ये बोलता है कि तू वैसे कर। तो एक दिन हंसाबाई ने इस चुंडा से कहा कि तेरा इरादा ये तो नहीं है कि मैं अपने भतीजे को मार दूं और स्वयं गद्दी पे बैठ जाऊं। तो राजमाता हंसाबाई की इस बात को सुनकर ये राणा जो चुंडा था, ये चुंडा नाराज हो जाता है और नाराज होकर कहां पे चला जाता है, मालवा में चला जाता है। और मालवा के जब ये राजमाता हंसाबाई के द्वारा इस राणा चुंडा के ऊपर शक किया जाता है, तो राणा चुंडा ने राजमाता हंसाबाई से कहा कि राजमाता, आप
आपने मेरे ऊपर शक किया है, मेरे को आपकी गद्दी का कोई लालच नहीं है, मेरे को शासक भी नहीं बनना है, तो मैं अगर मेरे को जीना है तो मैं कहीं पे भी जाकर नौकरी कर लूंगा और अपना जीवन यापन कर लूंगा। ऐसा बोलकर ये जो राणा चुंडा थे ये नाराज होकर कहां पे चले गए, मालवा। और मालवा के जो शासक थे, मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मालवा के जो शासक थे होशंग शाह, इस होशंग शाह के पास में ये चले जाते हैं और वहां पर रिट की तैयारी करने लग जाते हैं, और फिर रिट की तैयारी करके अपना जो निश्चित लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। तो राजमाता हंसाबाई के द्वारा जब इस चुंडा के ऊपर शक किया गया तो ये नाराज होकर मालवा में होशंग शाह के पास में चला जाता है और नौकरी करने लग जाता है। तो ये बताया है मैंने आपको इनके विवाह के पश्चात किस प्रकार से हंसाबाई के द्वारा चुंडा के ऊपर शक किया गया और फिर चुंडा कहां पे चला गया, मालवा। और हंसाबाई ने जो इसका जो भाई था रणबल, इस रणबल के पास में मैसेज किया कि भाई तू ऐसा कर, मारवाड़ वाले क्षेत्र से मेवाड़ वाले क्षेत्र में आ, क्योंकि तेरा जो भांजा है ये जो मोकल है, इस मोकल को चारों तरफ से दुश्मनों का खतरा है, तो तू मेवाड़ वाले क्षेत्र में आ जा और इसका संरक्षक बन। तो आप याद क्या रखोगे, महाराणा मोकल का जो दूसरा संरक्षक, तो इस महाराणा मोकल का जो दूसरा संरक्षक था उसका नाम था रणमल। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है, अर्थात महाराणा मोकल का पहला संरक्षक कौन था, राणा चूड़ा, और दूसरे नंबर का संरक्षक कौन था, रणमल। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अब अपन अगले शासक की चर्चा करते हैं, और अगला जो शासक बनता है मेवाड़ का उसका नाम है महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल के पिता का नाम आपको पता चल ही गया होगा, इनके पिता का नाम था लाखा और मां का नाम था हंसाबाई, और इन लाखा और हंसाबाई का सशर्त विवाह हुआ था। तो विवाह के पश्चात शासक भी कौन बन जाते हैं, तो शासक बनते हैं मोकल। उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं तो मैंने आपको लाखा के बारे में एक बात बताई थी, लाखा जो महाराणा लाखा, इन लाखा के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाखा का ये जो पुत्र था कौन, राणा चुंडा। तो ये राणा चुंडा आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता है। इसी कारण इसे राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, कहा जाता है। फिर जब मोकल शासक बन गए तो मोकल ने शासक बनते ही क्या किया का ये जो चूड़ा है, ये चूड़ा तो शासक बन नहीं सकता था, तो पहले मैं आपको थोड़ी बात बताऊं, तो पहले आपको ये पता है कि किसी भी शासक के कम से कम 100-150-200 रानियां तो होती ही थी, तो उनमें जो प्रिय रानी होती थी उसके पुत्र को शासक बना दिया जाता था, और अन्य रानियों के पुत्रों को ठिकाने या जागीर प्रदान की जाती थी। तो मेवाड़ के शासक तो कौन बन गए, महाराणा मोकल, और ये जो राणा चूड़ा थे, ये जो राणा चुंडा या चूड़ा थे इनको मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा जो ठिकाना था उस समय, उस ठिकाने का नाम था सलुम्बर। तो वो सलुम्बर का ठिकाना इस राणा चुंडा को प्राप्त हुआ था, तो इनको मेवाड़ का
सबसे बड़ा बड़ा ठिकाना ठिकाना सलुम्बर प्राप्त हुआ अर्थात ये जो राणा चुंडा थे इन चुंडा को सलुम्बर का जो ठिकाना था ये सलुम्बर का ठिकाना प्राप्त हुआ और इन राणा चुंडा को या सलुम्बर का जो भी ठिकानेदार रहेगा उस ठिकानेदार को ये कहने का मतलब अधिकार दिया गया कि मेवाड़ का अगर कोई भी शासक बनता है तो उसका जो राजतिलक है वह राजतिलक सलुम्बर ठिकाने के सामंत के द्वारा किया जाएगा। तो आप याद क्या रखोगे, आप ये याद रखोगे कि मेवाड़ का अगर कोई भी शासक बनता था तो उसका जो राजतिलक था वह सलुम्बर के ठिकानेदार के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा अगर किसी के साथ में युद्ध करना है मेवाड़ के शासक को तो जो हरावल भाग होता है जो सेना के आगे का भाग होता है उसका नेतृत्व भी सलुम्बर के जो ठिकानेदार थे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं तो आपने नाम सुना होगा बूंदी की जो हाडी रानी सहेल कंवर आती है। तो जब औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बीच में युद्ध होता है तो उस युद्ध में राज सिंह के द्वारा सलुम्बर का जो ठिकानेदार था उसके पास में मैसेज भिजवाया जाता है कि आपको मेरी तरफ से युद्ध करना है। तो उस समय जो सलुम्बर के ठिकानेदार थे वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और उनको बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आती है। तो उसी दुल्हन के द्वारा अपना सिर काट कर उस सलुम्बर के ठिकानेदार को भेज दिया जाता है। तो इससे भी अपन को ये पता चलता है कि जो मेवाड़ के शासक अगर कहीं पे भी युद्ध करते थे तो हरावल भाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था, तो सलुम्बर के ठिकानेदार के द्वारा ही नेतृत्व किया जाता था। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब अपन महाराणा जो मोकल है उन मोकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से आगे कैसे क्या होता है महाराणा मोकल के बारे में। तो अब मैं आपको मोकल के बारे में बताने वाला हूं। तो अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था महाराणा मोकल। तो मोकल के अगर संरक्षक की बात करें फर्स्ट संरक्षक कौन था इनका, तो आप याद रखोगे इनका जो पहला संरक्षक था उसका नाम था राणा चूड़ा या चुंडा जिसको अपन कहते हैं चुंडा। अगर इनके सेकंड संरक्षक की बात करें तो इनका जो द्वितीय संरक्षक बना था उसका नाम है रणमल, जो शासक कहां का मेवाड़ का मारवाड़ का रणमल। आगे अगर अपन बात करें तो जो महाराणा मोकल थे इनकी जो इनके समय में जो राजमाता थी राजमाता, क्योंकि लाखा का देहांत हो जाता है तो राजमाता कौन थी उस समय हंसाबाई। राजमाता कौन थी हंसाबाई। आगे अगर अपन मोकल के बारे में बात करें तो इस मोकल के द्वारा कुछ जैसे अपन एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात करें तो एकलिंगनाथ जी के इसके द्वारा एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया। आगे अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा
समिधेश्वर मंदिर अर्थात त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसे मोकल का मंदिर कहते हैं। तो महाराणा मोकल इनका पहला संरक्षक राणा चूड़ा, सेकंड संरक्षक रणवल और राजमाता कौन थी, हंसाबाई। और इसके द्वारा एकलिंग नाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया था। और इसी महाराणा मोकल के द्वारा शमीदेश्वर मंदिर अर्थात त्रिभुवन नारायण के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। अगर अपन बात करें रणवल की, तो इस रणवल का मेवाड़ वाले क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ जाता है। और जब इस रणमल का यहाँ पे उद्देश्य पूरा हो जाता है, अर्थात ये मोकल बड़ा हो जाता है, तो रणमल अपनी दीदी से वापस जाने के लिए कहता है कि बेना, मैं वापस कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मारवाड़। लेकिन मारवाड़ में अपने जो पिताजी थे राव चुंडा, वो एक नंबर के कमीने आदमी थे, और उन्होंने मेरे को शासक न बनाकर अपनी जो सौतेली माँ थी उसके प्रभाव में आकर मेरा जो छोटा भाई था काना, सोतेला भाई काना, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो बहना, तू ऐसा कर, मेवाड़ की थोड़ी सी सेना मेरे साथ में भेज दे, ताकि मैं मारवाड़ वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लूं। तो जो चुंडा थे इन राव चुंडा के द्वारा अपना जो उत्तराधिकारी था वो किसको बनाया गया, कान्हा को बनाया गया था। और कान्हा की भी मृत्यु हो जाती है, और कान्हा के पश्चात जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम क्या था, सत्ता। तो ये रणमल मेवाड़ से थोड़ी बहुत सेना लेकर आता है, और इस सत्ता को हरा कर स्वयं मारवाड़ का प्रशासक बन जाता है, अर्थात मारवाड़ का शासक कौन बन जाता है, रणमल। तो आप ये भी याद रखोगे कि मेवाड़ की सेना को ले जाकर ये रणवल मारवाड़ के कान्हा के उत्तराधिकारी सत्ता को डिफीट कर देता है, और मारवाड़ वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन महाराणा मोकल के बारे में जो कुछ बातें बची हुई है, उन बातों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।